अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे लेटर एंड सीवी पैटर्न के बारे में, जो कि अक्सर इंग्लिश के पेपर में आता है। बीए पार्ट वन के पेपर में अक्सर ये वाला सवाल आता है कि लेटर लिखना है या फिर सीवी लिखनी है, लेटर टू एडिटर लिखना है या फिर सीवी विद कवरिंग लेटर लिखना है। तो लेटर का पैटर्न वही होता है, चाहे आप वो एडिटर को लिखें चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करें, तो पैटर्न तकरीबन वही होता है। जब सीवी के लिए छोटी कवरिंग लेटर छोटा होता है, और जब आप एडिटर को किसी चीज़ के लिए लिखते हैं लेटर, तो वो थोड़ा लंबा होता है, लाइक उसके पैराग्राफ थोड़े बड़े होते हैं। पैटर्न सेम होता है, ठीक है ना। चलें आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से लेटर पैटर्न किस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह नज़र आ रहा होगा एड्रेस। एड्रेस किसका? आपका अपना एड्रेस। अच्छा, ये देख लीजिए बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है। बुक में आपको हर चीज़ का एक तरीके कार्ड दिया हुआ है उसका। इनका गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ कवरिंग लेटर, ये पूरी गाइडलाइंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। इसकी आप पिक्चर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। सबसे पहले आता है एड्रेस। एड्रेस आपको अपना लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। लेकिन ये यहाँ इस तरफ लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एज मैं यहाँ सैम्पल के तौर पे लिख के बताया हुआ है, आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये हम एज इन मतलब पेपर के लिहाज से लिखने की बात कर रहे हैं। जब रियल में अपना लेटर किसी को लिखते हैं, तो अपना एड्रेस ज़ाहिर है एनवलप के पीछे बैक साइड पे लिखते हैं, और जिसको सेंड करना होता है उसका एड्रेस एनवलप के फ्रंट पे लिखते हैं। बट ये हम एज एन एकेडमिक के तौर पे लिख रहे हैं, वरना एज सच कोई अपना एड्रेस नहीं लिखा जाता लेटर के शुरू में, ठीक है ना। लेकिन ये एक पैटर्न है, इसी को फॉलो करना है। क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ओन एड्रेस, देयर यू गोस, आपको नज़र आ रहा है। सेकेंड आ जाएगा आफ्टर लिविंग वन लाइन डेट, ठीक है, वॉट एवर द डेट इज। आफ्टर दैट थर्ड शुड बी द रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपने सेंड करना है, जिसके नाम पे लेटर लिख रहे हैं, जो भी हो सकता है उसका आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस नहीं है तो आपको पहली बात तो एड्रेस पता होना चाहिए कि आप किसको लिख रहे हैं, कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नहीं है तो आप जस्ट उस जगह का नाम, जैसे अब ये मैं एक लेटर लिखा है मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध को फॉर द पोस्ट ऑफ HST, ये वाले एक सवाल आया हुआ था पास पेपर में, उसमें से मैंने ये वाला लिखा है। इस तरह से आजकल आपको पता है कि GST के लिए अप्लाई हो रहा है, जॉब के लिए एप्लीकेशन मांगी जा रही है, तो उसके लिए भी इसी तरह से लिखा जाएगा, ज़ाहिर है एजुकेशन मिनिस्ट्री को लिखा जाएगा। खैर, सवाल जो भी हो उसमें से आप देख लीजिएगा कि किसको लिखना है, तो वही एड्रेस यहाँ पे आएगा। कभी कभार एड्रेस लिखा हुआ होता है सवाल में, कभी कभार नहीं भी लिखा हुआ होता है, तो वो आपको एज इन फर्जी तौर पर भी आपको लिखना है, अज्यूम करके, और कुछ भी एड्रेस लिख लीजिए, ठीक है ना, कौन सा आपने वाकई में सीरियसली भेजना है। थर्ड थिंग आ जाती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग लाइक दिस, डियर और रिस्पेक्टेड सर और मैडम, और अगर कोई नाम मेंशन है क्वेश्चन में तो आपको वो नाम लिखना है, जैसे मिस्टर असलम या मिस्टर खान या मिस खान, समथिंग समथिंग कुछ तो होगा ना जो आपको सवाल में जो मेंशन है। नहीं है तो जस्ट आप डियर सर और मैडम करके, रिस्पेक्टेड सर और मैडम करके लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। फिर आपको वन स्पेस वन लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ लेटर आ जाएगा। अच्छा, अब ये बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है? इसमें हम तीन पैराग्राफ्स लेते हैं। अगर हम नॉर्मल सीवी के लिए ये कवरिंग लेटर लिख रहे हैं, तो ये तीन पैराग्राफ मोर देन एनफ होंगे। अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं किसी और मसले के मसाइल के बारे में, अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो जाहिर है उसमें वो जो मसला है उसको डिटेल में ब्रीफ करना होगा, बताना होगा कि क्या है क्या नहीं है, तो शायद तीन पैराग्राफ आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए, चार भी पाँच भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मैटर, ऑन दैट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप देखें कि उसमें कितना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक की पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, अगर आप ये कवरिंग लेटर नहीं करना चाहें, वो वाला एडिटर वाला लेटर करना चाह रहे हैं, तो आपको मैं एक छोटी सी हेल्प दे रही हूँ कि ये वाला सवाल ज़रा आखिर के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो भी उसमें प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, कंप्लेन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कराची के प्रॉब्लम के बारे में,
तो कराची के प्रॉब्लम्स आपको, आप जब लिखना शुरू होंगे ना तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। तो ये सवाल आप आखिर के लिए छोड़ दें, ठीक है ना। और जब बाकी का पेपर करने लगे ना, शुरू स्टार्ट करने लगे, तो अपने आंसर शीट के पीछे पेंसिल से ना, जैसे जैसे आपको याद आते रहे प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, तो पेंसिल से नोट डाउन करते हैं ना आंसर शीट के पीछे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कराची के। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, मतलब जो जो पॉइंट याद आते रहें। ज़ाहिर है पेपर के दौरान बीच में दिमाग कहीं और घूमता ज़रूर है, तो आपको याद ज़रूर आएगा, तो वो पॉइंट आउट करते रहें, लिखते रहें। फिर जब आखिर में आप जब ये मैटर लिखने लगेंगे ना, तो आपके पास वो दो चार पाँच पॉइंट्स जो भी याद आए होंगे वो आपके पास होंगे, तो आपको अच्छा मटीरियल मिल जाएगा ये बॉडी ऑफ लेटर लिखने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप ऐसे के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप प्लीज़ लास्ट में कीजिए, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि लास्ट में आप 15 मिनट में और दो तीन पेजेस का ऐसे कर लेंगे। तो उसके लिए अपना टाइम मैनेज कर लें कि आपको एटलीस्ट आधा घंटा चाहिए ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत सारी होती हैं, सोचना होता है। तो उसके लिए भी आप यही कर सकते हैं कि बीच बीच में पेपर के बीच में आपको जैसे जैसे जो जो चीज़ें याद आती रहें अकॉर्डिंग टू टॉपिक, कि मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये ऐड कर सकता हूँ, तो वो आप पेपर के पीछे अगर लिख लेंगे ना, आंसर शीट के पीछे बोल रही हूँ, क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं लिखिएगा, वो चीटिंग के ज़ुमरे में आ जाता है। तो आप वो जब पॉइंट आउट लिख लेंगे ना, और जब फिर आप वो ऐसे या जो भी लिखने लगेंगे, वो आप पॉइंट वहाँ से टैली करते रहें और उस पर आप उसको डिस्क्राइब करते रहें, डिफाइन करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से आपका एक मटीरियल तैयार हो जाएगा, एक कॉन्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी सी टिप थी। अब आ जाते हैं वापस बॉडी ऑफ लेटर की तरफ। देखें, बॉडी ऑफ लेटर में एटलीस्ट तीन पैराग्राफ होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्टरी, जिसमें आपको बताना है कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है, किस लिए लिख रहे हैं, किस चीज़ के रिस्पांस में लिख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ फर्स्ट पैराग्राफ, इन रिस्पांस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन डैश, मींस किसी भी जगह एडवर्टाइज देखा होगा, न्यूज़पेपर है या सोशल मीडिया है या वॉट एवर, कहीं पे ईमेल में या किसी ग्रुप में, वॉट एवर जो भी है वो यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सवाल, जो सवाल आएगा उस हिसाब से आपको यहाँ लिखना है। अगर सवाल में है कि न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर। अगर सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हाँ आप यहाँ किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, डेली डॉन, डेली जंग और वट एवर, जो भी आपको नाम याद आ रहा हो ना वो लिख सकते हैं। डेट, एट ज़ाहिर है डेट किसी डेट की न्यूज़पेपर होगी, डेट डाल दीजिएगा। जैसे ऊपर डेट डाली हुई है, ज़ाहिर से इससे पहले की किसी दिन की डेट डाल दीजिएगा, 1st अगस्त हो गया या 31st जुलाई हो गया, मतलब पहले की, ज़ाहिर है आगे की नहीं, पहले की, ठीक है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ वट एवर, जो भी पोस्ट है, जो सवाल में मैंशन है क्या क्या पोस्ट है, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, वॉट एवर, ठीक है ना, वो आपने यहाँ मैंशन करना है। फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया। सेकेंड पैराग्राफ शुड बी इन्फो इन डिटेल्स, अब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कि आपने क्या क्या किया है, वॉट इज़ योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स और अदर अचीवमेंट्स विच यू हैवेंट मैंशन इन CV और रिज्यूमे, जो आप CV और रिज्यूमे में मैंशन नहीं किया हुआ वो लिखना है, और बहुत छोटा ब्रीफली लिखना है, ठीक है। पूरी डिटेल कहानी नहीं लिखनी कि मैंने क्या किया, कब किया, क्यों किया, वो सब आप रिज्यूमे में डिफाइन कर देंगे कि आपने कब क्या, कौन सी चीज़ पढ़ी है, कौन सी अचीवमेंट हासिल की है, क्या स्किल्स हैं, वो सब आपके रिज्यूमे में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको की पॉइंट्स में लिखना है, आई हैव डन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दैट, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा, रीस्टेट द रीज़न एंड थैंक द रीडर, यानी आप जिस रीज़न की वजह से ये लेटर लिख रहे हैं वो दोबारा से मेंशन कीजिए लास्ट पैराग्राफ में, और जो पढ़ने वाला है उसको थैंक कीजिए कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया या मेरा ये लेटर पढ़ा, और आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट कि आप मुझे इसका रिस्पॉन्स करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ मैंने आपको लिख के बता दिया है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब एंड वुड लाइक टू स्टार्ट माई करियर विथ योर कंपनी, आई एम ऑनेस्टली लुकिंग टू फॉर एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ मैंने लिख के दे दिया, एज इट इज़ यही याद कर लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। फिर आ जाएगा नंबर 6, क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे की जाती है देख लीजिए। क्लोजिंग के लिए हमें फिर से ऊपर ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, इट मीन्स के वन लाइन छोड़ के फिर आपने नेक्स्ट लिखना है, थैंक यू फॉर योर कंसिड्रेशन, देन फिर एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद लिखना है योर सिंसियरली, फिर एक लाइन स्किप करनी है और अपना नाम पूरा नेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये हेडिंग डालनी है इनक्लोजर की, चाहे तो ऐसे डाल लें, चाहे तो ये स्मॉल लेटर्स में इस तरह शॉर्ट फॉर्म करके डाल लीजिए। इनक्लोजर मीन्स मतलब आप इस लेटर के साथ अब उनको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपना, ज़ाहिर है गलत CV तो प्रोवाइड करेंगे ही, तो उसके साथ आपको कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स, यानी आप अपने सर्टिफिकेट्स की कॉपी भी तो देंगे ना, मार्कशीट की कॉपी हो गई, NIC की कॉपी हो गई, या जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट्स वगैरह हैं, वो उसकी कॉपीज देंगे। सेकंड थिंग, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो ऑब्वियसली देंगे ही, वो तो आजकल ज़रूरी है, वो तो आजकल CV में भी मतलब ऐड ही हो जाता है, लेकिन खैर। और थर्ड थिंग ऑब्वियसली CV और रेज्यूमे, ठीक है। ये हो गया इसका पैटर्न फॉर राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ कवरिंग लेटर, ठीक है। इसकी आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रेज्यूमे सीवी पैटर्न, ठीक है जी। अब देखते हैं रेज्यूमे सीवी पैटर्न किस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, लिखने का तरीका क्या होता है देख लीजिए। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे, ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्ट अपना एड्रेस लिखें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप एड्रेस ना लिखें, मतलब कुछ भी लिख लीजिए। आपको एकेडमिक तौर पे लिखना है अपना एड्रेस। ज़ाहिर है रियल सीवी बनाएंगे तो उसमें रियल एड्रेस लिखेंगे, लेकिन यहाँ अगर आप अपना एड्रेस लाइक हाउस नंबर नहीं बताना चाहते तो यू कैन स्किप दैट। जस्ट आप अपना एरिया का नाम, अपने जगह, गली नंबर सब कुछ लिख लें, हाउस नंबर ना भी बताएं डजंट मैटर, ठीक है। देन फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी आप अकेडमिक के तौर पर तो आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप एग्जैक्ट नंबर जब आप वाकई रियल में अपनी सीवी बनाएं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका असली फ़ोन नंबर, असली एड्रेस और असली ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें तो ये लाजमी हैं। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। इसके अलावा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग अपना NIC नंबर लिखते हैं, अपना एज लिखते हैं, अपना नेशनैलिटी लिखते हैं, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे बुक में भी जो हमें सिंपल के तौर पर दिया गया है, देखिए ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, जस्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस है एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी जो CV होती है, जो रेज्यूमे हम किसी को भेजते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं रियल लाइफ, तो हम ज़ाहिर है उस बंदे से मिले नहीं होते, बंदा बंदी व्हाटएवर, तो हम उसको अपना एक तरह से इंट्रोडक्शन यानी मिलने से पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ने के बाद यानी ये पूरी CV देखने के बाद सामने वाला बंदा हमसे इम्प्रेस होगा तो हमें बुलाएगा ना। तो हमारा रेज्यूमे CV शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी अबाव अजदाद के बारे में बता रहे हैं कि हम तो सिंधी, तो हम तो बलोची, तो हम तो ये, तो हम तो वो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। जस्ट शॉर्ट एंड, कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, तो वही होना चाहिए ताकि बंदा देखते ही आपको कॉल करे फॉर इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू पे आप अपने को ज़्यादा एक्सप्लोर करवा सकते हैं कि मैं कैसा हूँ, या बातों से, या आपके अखलाक से, या आपके एटीट्यूड से, बिहेवियर से, वो फिर आप उसको ज़्यादा इंप्रेस कर पाते हैं फॉर द ऑब्वियसली जॉब के लिए तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगी ऑब्जेक्टिव की हेडिंग। ऑब्जेक्टिव में आप करियर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, जस्ट जॉब ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, और जस्ट ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको ये एक सेंटेंस लिख के दे दिया, यही याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट, ठीक है। यानी आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं जहाँ आपको आपके मवाफिक एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल आप अपने ग्रोथ कर सकें, आपके एडवांसमेंट हो सके, आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी एजुकेशन की। एजुकेशन मीन्स आपने क्या क्या पढ़ा है। इसमें आपको सबसे पहले अपना रीसेंट जो भी आप पढ़ा है या पढ़ रहे हैं वो मेंशन करेंगे, रीसेंट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। शुरू से शुरू नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर नहीं करेंगे कि मैट्रिक, इंटर, तो बैचलर, तो MS, ऐसा नहीं, ऊपर से शुरू करेंगे। यानी जो अभी रीसेंट कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले मास्टर की डिग्री लिखेंगे, अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले बैचलर्स की करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बैचलर से ही स्टार्ट किया है, बिकॉज ज़्यादातर जो बैचलर जो आपके BA के पेपर में जो सवाल आता है इसका, CV का, जॉब एप्लीकेशन का, तो वो अक्सर बैचलर ही मांगते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें मास्टर लेवल लिखा गया होता है कि हमें मास्टर का कोई बंदा चाहिए, तो फिर आपको मास्टर्स यहाँ मेंशन करना होगा। माना आपने मास्टर नहीं किया, आप कहेंगे मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो अभी बैचलर का पेपर दे रहा हूँ, तो भाई नहीं किया तो कौन सा आपने ये असली में देखना, ठीक है ना। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, तो जो चीज़ पूछी जाए सवाल में, अगर मास्टर डिग्री मांगी गई है तो प्लीज़ मास्टर ही कर लीजिएगा ऊपर, सबसे पहले मास्टर इन व्हाटएवर, जिस फील्ड में भी मांगी गई है वो लिख लीजिएगा। अगर फील्ड मेंशन नहीं है तो आप ख़ुद मास्टर्स इन आर्ट्स लिख सकते हैं, लाइक MA, और फिर पर्टिकुलर उसकी फील्ड लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, अपना इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, देन आपको ईयर भी मेंशन करना है, और साथ में अगर आप चाहें तो अपने मेजर सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। मैंने वो यहाँ मेंशन नहीं किया, मैंने जैसे इसको एक लाइन में कवर कर लिया, आप इसके नेक्स्ट लाइन में ईयर और मेजर सब्जेक्ट सब कुछ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हर एक का अलग अलग डिफरेंट होता है, और हर एक जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि अगर कोई बंदा साइंस में मांग रहा है तो फिर साइंस में आपको मेंशन करना पड़ेगा, साइंस में इंजीनियरिंग में किया है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है, या कंप्यूटर साइंस में किया है, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, बट ये आप थोड़ा बहुत तो खुद भी कर सकते हैं ना। सेकेंड आ जाती है बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि हमारा इंटरमीडिएट बोर्ड।
ठीक है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन भी लिख सकते हैं और बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी लिख सकते हैं। मैंने यही लिखा है, साथ में कॉलेज मेंशन करना है अगर आपने कॉलेज से किया है। अगर आपने प्राइवेट किया है तो कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट बोर्ड से होता है प्राइवेटली। और ईयर मेंशन करना ज़रूरी है और साथ में ईयर की अगर आप अपनी ग्रेड्स भी मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको अपने डिवीजन मेंशन करना होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। और कॉलेज लेवल पे यानी इंटर के लेवल पे आपको ग्रेड्स मेंशन करने होंगे। इसी तरह नीचे आ जाते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि मैट्रिक। अगर मैट्रिक आपने स्कूल से किया है तो स्कूल का नाम मेंशन कीजिए, ईयर मेंशन कीजिए और साथ में अपने ग्रेड्स मेंशन ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने किस ग्रेड से किया। और हाँ, ये भी मेंशन कीजिएगा कि साइंस में किया है या आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में किया है। इसी तरह इंटर में भी आपको ये मेंशन करना है कि साइंस सब्जेक्ट्स था या ह्यूमैनिटीज़ थी। ठीक है, ये चीज़ आपको मेंशन करना ज़रूरी होगी। ये मैंने यहाँ नहीं बताया बट ये चीज़ आपने खुद मेंशन करनी होगी। ओके, चलें फिर नेक्स्ट चलते हैं एडिशनल कोर्सेज। थर्ड हेडिंग एडिशनल कोर्सेज। अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स किया है तो मेंशन करना लाजमी है। नहीं भी किया तब भी एक ये लाइन अगर लिख देंगे कि यू आर आई एम कंप्यूटर लिटरेट एंड कैन डू कैन वर्क इन MS ऑफिस विथ ईज, यानी ये तो हर कोई कर सकता है ना, MS ऑफिस पर तो काम हर कोई ही कर सकता है, तो ये वाली चीज़ मेंशन करना लाजमी है। नॉर्मल जॉब एप्लीकेशन भी अगर CV बनाए अब अपने रियल लाइफ के लिए तो उसमें भी एडिशनल कोर्सेज प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन उसमें झूठ नहीं लिखिएगा। जो हो अगर आपने कोर्स किया हो तो वही लिखिएगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ मत लिखिएगा। CV में लोग झूठ जो लिखते हैं ना वो फिर आगे जाके मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि झूठ आपका कभी ना कभी सामने ज़रूर आ जाता है। तो प्लीज़ ये जस्ट हम पेपर की हद तक तो झूठ बोल सकते हैं बट रियल लाइफ में ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ लिख दिया कि मैं MS ऑफिस कर सकता हूँ और आगे आपको जॉब में उन्होंने MS ऑफिस का ही काम पकड़ा दिया जो कि आपको नहीं आता और आपने जस्ट ऐसे ही अपनी CV अच्छी बनाने के लिए कह दिया हो तो फिर आप कैसे करेंगे ये आप सोच लीजिए। ठीक है ना, चलें पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस भी लिखना लाजमी है वैसे तो, लेकिन अगर सवाल में मेंशन है कि एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक सवाल में अगर ये लिखा हुआ है कि वी वांट एक्सपीरियंस 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो वहाँ 2-3 ईयर्स के यहाँ आपको एक्सपीरियंस बताना होगा क्योंकि हम ये लिखने की हद तक बात कर रहे हैं एकेडमिक पेपर के लिए। अगर सवाल में वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाए तो लिख लीजिएगा, नहीं पूछा जाए तब भी दो चीज़ें तो एटलीस्ट याद करके चले जाइएगा कि आपकी जो भी जॉब एक्सपीरियंस है, भले आपने एक महीना कहीं काम किया हो, भले आपने 15 दिन कहीं काम किया हो, वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि वर्क इन --ऑफिस या --कंपनी एज इन टीचर इन --स्कूल एज इन मॉन्टेसरी टीचर या टीचर ऑफ क्लास 1 या वॉट एवर टीचर ऑफ सब्जेक्ट साइंस, इस तरह से करके कुछ भी मेंशन कर लीजिएगा। और आगे ब्रैकेट में आपने डेट मेंशन करनी है यानी किस डेट से किस डेट तक, यानी समझ लें अगर आपने May 2001 से लेके June 2005 तक की जॉब की है 5 साल की, तो वो इस तरह से ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा कि May 2001 - June 2005 ब्रैकेट 1। ठीक है ना, तो वो आपका ईयर भी उसमें मेंशन हो जाएगा। इस तरह से मेंशन करना है, मैंने आप यहाँ कुछ लिखा नहीं है लेकिन अगर आप सॉल्ट पे 5 ईयर्स देखेंगे, पास्ट पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा कि जिसमें एक्सपीरियंस बताया हुआ है। अच्छा, रियल जो आप CV बनाएंगे उसमें भी वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ज़ाहिर है उनके पास तो है नहीं एक्सपीरियंस, वो क्या लिखें, तो वो भले स्किप कर सकते हैं ये वाला हेडिंग। लेकिन ये हेडिंग अगर होती है रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर ये वाली हेडिंग वाली CV आती है तो उसको ज़्यादा मायने दिए जाते हैं। मैं आपको ज़रा पास्ट पेपर से दिखा रही हूँ कि एक्सपीरियंस में लिखें क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। एक्सपीरियंस ABC स्कूल और A-level, O-level केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम 2004 टू डेट। और हाँ, इसमें भी आपको ऐसे चलना है यानी रीसेंट पहले लिखना है, रीसेंट जो भी जॉब की है वो पहले लिखना है, उससे पहले वाली उससे बाद में लिखनी है, उससे पहले वाली उसके बाद में लिखनी है, समझ रहे हैं। या रीसेंट से पीछे चलेंगे आप अपनी ज़िंदगी में, तो ये ज़रा CV में पैटर्न याद रख लीजिएगा कि रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस, रीसेंट एजुकेशन सबसे पहले आएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं इंटरेस्ट की तरफ। इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ और हॉबीज़, ये 3 हेडिंग्स होती हैं। चाहे इंटरेस्ट लिख लें, चाहे एक्टिविटीज़ लिख लें, चाहे हॉबीज़ लिख लें। अब आप कहेंगे ये बताना ज़रूरी है, हाँ जी बताना ज़रूरी है CV में, क्योंकि हम अगले बंदे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस एक पेपर के फॉर्म में। ठीक है ना, इस एक पेज से हम अगले बंदे को अपनी एक शख्सियत का एक समझ लें एक झलक दिखा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है रीडिंग में तो आप लिख सकते हैं रीडिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, स्विमिंग में, क्रिकेट में, वॉट एवर, तो ये बहुत सारे भी लिख सकते हैं आप। रीडिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, म्यूज़िक, सर्फिंग, इंटरनेट भी एक लाइन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी राइटिंग ब्लॉग्स का भी शौक है तो आप लिख सकते हैं, कोई भी एक इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, 2-3-4-5-6-7 जितने लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट प्लीज़ एक पेज से यानी बड़ी ना कर दीजिएगा CV, अगला बंदा पढ़ते पढ़ते सो जाए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
दिस इज़ रेफरेंस, रेफरेंस शुड बी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, यही लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लोग अभी भी अपने रियल सीवी में कुछ अजीब सा लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, नहीं आप कैसे प्रोवाइड करेंगे अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो गई नहीं, मतलब अगला बंदा मांगेगा तो आप प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये वाली लाइन ज़्यादा बेटर लगी मुझे कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, कि अगला बंदा मांगेगा आपसे रेफरेंस, के भाई रेफरेंस दें अपना, किसी जानने वाले का नंबर वंबर दें कि आप कभी भाग गए जॉब से तो हम उसको फ़ोन करके पूछ सकें कि भाई कहाँ गया, ठीक है ना, ये होता है रेफरेंस के लिए, या अपने किसी जानने वाले का, किसी ऐसे का कि जो आपको जानता हो, जो अगर आप भाग जाएँ तो वो आपको, मतलब वो उनको फ़ोन कर लें और आप तक पहुँच सकें, ठीक है, तो ये है पूरा पैटर्न। एक दफ़ा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज की भी ले लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ऑल द बेस्ट, होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।